हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो गाड़ी खरीदी है इंडिका विस्टा 2010 मॉडल, मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक पर ही कंटिन्यू करते हुए कि मैंने इस गाड़ी को कुल 1000 किलोमीटर चला लिया है, अप्रोक्स 1000। और 1000 किलोमीटर में मुझे इस गाड़ी ने कितना फ़ायदा दिया है और मुझसे कितना खर्चा लिया है, कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप में से भी अगर कोई भाई बंधु इसे खरीदता है तो उसे इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके लिए ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहेगी, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदे में ही रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके सबसे बड़े पहले खर्चे की, जो था इसके क्लच सेट का। दोस्तों, जब मैंने ये इस गाड़ी को परचेज किया था तो मुझे ये पता था कि इसका क्लच सेट जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये नया डलेगा। गियर ऑयल भी था, और बात करें उसके क्लच के बैरिंग की और क्लच सेट की, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करके 4100 का कुल बिल आया था। और ये मैंने जेन्युइन ली थी, जो कि ये कुछ वैल्यू कंपनी की क्लच सेट था ये। और मैंने इसमें एक गलती कर दी कि मैंने जो गियर ऑयल था, मैं गियर ऑयल फुली सिंथेटिक नहीं लिया था, जो कि मुझे मैकेनिक ने जब मैं परचेज कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बताया, तो चलो फिर मुझे वही डालना पड़ा। मगर आप जब भी अगर ऐसा करो तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना कि क्लच सेट लेते वक्त गियर ऑयल जो है फुली सिंथेटिक ही लें। दूसरा इसका खर्चा था सर्विसिंग का। दोस्तों, सर्विसिंग पर इसका कम से कम 3 से 3500 का इसका सामान था, जिसमें से डीजल फिल्टर इंक्लूड नहीं था। तो अगर बात करें इसके टोटल खर्चे की, तो टोटल इसका 4000 का खर्चा था सर्विसिंग का, और 5000 5500 का खर्चा आया कुल मिलाकर क्लच सेट और प्लस लेवर का। मतलब 9000 के करीब मेरा खर्चा इस पर आ चुका था, 9 से 10 हज़ार का खर्चा इस पर किया है मैंने। और कुछ दिन पहले मैं इस गाड़ी को हिमाचल लेकर गया था फैमिली के साथ। प्रॉब्लम जो आई थी इस गाड़ी के साथ वो थी इसकी अल्टीनेटर की बेल्ट की। दोस्तों, रास्ते में इसकी अल्टीनेटर की बेल्ट टूट गई थी। अब वो अल्टीनेटर की बेल्ट को ना ही चलते वक्त मैंने चेक किया था और ना ही मैंने मैकेनिक से कहकर चेक करवाया था। हालांकि मैंने सर्विस भी करवाई थी, मगर वो भी चेक करने से स्किप हो गया और वो रह गया, जिसका मुझे खामियाजा रात को रास्ते में भुगतना पड़ा। और अगर बात करूं इसके खर्चे की, तो अप्रोक्स 1000 से 1200 1200 रुपये का मुझे वो बेल्ट डल गई थी। चलो, ये भी मेरा खर्चा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं इस गाड़ी के प्रॉफिट की, कि मुझे आज तक अभी तक इस गाड़ी ने कितना प्रॉफिट दिया है 1000 किलोमीटर में। तो अगर मैं लास्ट ट्रिप की ही बात करूं दोस्तों, तो मैं लास्ट ट्रिप हिमाचल गया हूँ, तो इसमें मैंने अप्रॉक्स मेरा तेल लगा होगा कुल मिलाकर 2000 से लेकर 2200 का तेल लगा होगा। और इसके कंपैरिजन अगर मैं मारुति 800 को लेकर जाता, तो उस गाड़ी में मुझे सबसे पहला नुकसान जो रहना था वो ये था कि उसमें ना ही तो मुझे एसी मिलता, और दूसरी बात एक तो वो पेट्रोल थी और इसका खर्चा भी ज़्यादा रहता। और इसका इसका उस गाड़ी का मुझे अप्रॉक्स खर्चा आता, मोटा मोटा कहूँ तो 3000 से लेकर 3500 रुपये तक का, 3200 से लेकर 3500 तक का मेरा खर्चा उस गाड़ी में आ जाता। और इस गाड़ी की बात करूँ तो मेरा 2000 से लेकर 2200 रुपये तक का खर्चा आया है। और अगर कहूँ तो 1000 रुपया मुझे इस गाड़ी ने ट्रिप में सेव करके दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल से डीजल पर शिफ्ट होना मुझे कहीं नुकसान आया है। और कंपेयर करें अदर खर्चों की, जैसे कि इसका क्लच सेट का या सर्विसिंग का या जो इसकी बेल्ट टूट जाना, जो ये खर्चे हैं ये वन टाइम खर्चे हैं दोस्तों ये। अब बेल्ट की बात करें तो बेल्ट के लिए मुझे मैकेनिक ने जैसे कि रिकमेंड किया था कि आपको कम से कम ये 40,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर के बाद अल्टीनेटर की बेल्ट को चेंज करवा लेना चाहिए, मगर ये इस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया और जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है उसका। चलो, अब आगे से मैंने तो इसके तरफ ध्यान ही दिया, मगर मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ जरूर ध्यान देना और आप ऐसे किसी रास्ते में ना फंसे। तो इसके लिए आप थोड़ा एडवांस में इसे चेक कर लेना या करवा लेना। और दूसरी अगर बात करूं दोस्तों इसके कंफर्ट की, तो मुझे इस गाड़ी से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई या मुझे कोई फैमिली से इशू आया, क्योंकि मारुति 800 से लेकर अगर आप डायरेक्ट इंडिका विस्टा में शिफ्ट होते हो तो आपको सब चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा कुल इसका 1000 किलोमीटर का तक का मेरा जो भी इसका एक्सपीरियंस था अभी तक का, जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। दोस्तों, ये चीज़ें
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ भाई बंधु ऐसी गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में पहले से कुछ आइडिया हो जाए कि हाँ आपके साथ ये खर्चे आएंगे और आपको ये खर्चे नेसेसरी हैं और सहन भी करने पड़ेंगे अगर आप डीजल पर जाते हो या किसी सेकंड हैंड इतनी पुरानी गाड़ी पर जाते हो तो। अब दोस्तों मेरे पास जो पुरानी गाड़ी थी मारुति 800, मैंने उसकी तरफ भी अच्छा खर्चा किया था ताकि वो मुझे कहीं प्रॉब्लम ना दे और मुझे उसने कभी प्रॉब्लम भी नहीं दी। तो अगर आप भी अगर चाहो कि सेकंड हैंड गाड़ी लेकर पैसे बचाना चाहो तो दोस्तों आपको यहाँ पर या इसकी मेंटेनेंस पर जो इसके वेयर एंड टेयर्स हैं उनकी तरफ आपका खर्चा जरूर आएगा और आपको ये खर्चे करने आपके लिए सही भी रहेंगे। मैं बात करूं अभी इसके हाल फिलहाल के कुछ एक खर्चों की, तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट जैसे बताया था कि इसके इंटीरियर में कुछ एक छोटे मोटे इशू हैं वो मुझे ठीक करने हैं, और दूसरा है इसके कुछ अभी इसमें टायर से अनइवन नॉइस आ रहा है, शायद वो बैरिंग सेट डालने वाला है तो वो भी कुछ इसका खर्चा है। तो मतलब ये चीज़ें इसके साथ ऑलरेडी चलती रहेंगी। अब आप में से कुछ भाइयों का कहना होगा इससे अच्छा तो हम नई गाड़ी ले लेते। दोस्तों नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी के मुकाबले में बहुत फ़र्क है खर्चे के लिए। नई गाड़ी के साथ आपको खर्चा एक टाइम करना पड़ेगा, या आप कैश लेते हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट जानी होगी, मगर इससे अच्छा है आप यहाँ पर बहुत कम पैसे लगाकर एक गाड़ी मिल जाती है आपको, आप कुछ खर्चे लगाकर आप इसे विश्वास के साथ आपको इसे चला सकते हो। और बाकी अगर आप बात करो तो इसके हिली एरिया में इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करो तो दोस्तों मुझे हिली एरिया में इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो नहीं लगा, मगर कुछ हो सकता है कि मेरा ड्राइविंग स्टाइल अभी डीजल गाड़ी के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरी आदत जो थी पेट्रोल गाड़ी के साथ थी, और मैंने जो भी गाड़ियाँ चलाई हैं आज तक, जैसे i10 चलाई है, i20 चलाई है हिमाचल में, तो वो पेट्रोल गाड़ियाँ ही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका नेचर जो है उनसे कम लगा। तो चलो खुद कुछ मैं अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करूँगा कि कुछ मैं खुद में भी इम्प्रूवमेंट करूँगा, अपनी ड्राइविंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करूँगा कि ताकि मुझे कुछ इसकी जो पिकअप का इशू लगता है या मुझे इसके जैसा लगता है कि ये उठती नहीं है पहाड़ी एरिया में या हिमाचल में, तो मैं इन चीज़ों को दूर करूँगा। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो मैं इसे रिपेयर कराऊँगा, तो अगर मेरी कुछ ड्राइविंग में स्किल्स में कमी है तो मैं उसे भी इम्प्रूव करूँगा। अब मेरी ड्राइविंग स्किल में क्या कमी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं बहुत कम RPM पर चलाता था पेट्रोल गाड़ियों को, और डीजल गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। डीजल गाड़ी को अगर आप हिली एरिया में चलाते हो तो आपको हाई RPM पे थोड़ा सा, जैसे कि 2000 RPM पे, 1500 से 2000 RPM पर आपको इसे चलाना पड़ेगा, और मेरी जो रेंज रहती है वो 1000 से 1500 RPM तक रहती थी, जहाँ पर ये अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती थी। तो मुझे कुछ ये जो मेरे फंडे क्लियर किए हैं, ये मेरे कुछ एक भाई हैं मेरे, उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया है कि आपको शायद ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो इसके ये एक कारण भी हो सकता है गाड़ी की पिकअप ना आने का। उन्होंने खुद ही से ड्राइव करके देखा तो उन्हें इसका पिकअप और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस उन्हें अच्छा लगा, और क्लच सेट चेंज करवाने के बाद तो उन्हें और भी बेटर फील हुआ, हालांकि मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता लगा अभी इतना। तो चलो अभी आगे से आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं हिमाचल जाता हूँ तो वहाँ की ड्राइविंग का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।